आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लूस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी के देख रहे हैं। इससे पहले हमने बात की थी मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, मॉनसून्स ऑफ इंडिया और सॉयल्स ऑफ इंडिया, और बाकी हम 6 यूनिट कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे भारत में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया। दोस्तों, इसमें डेटा नहीं रहेगा, मैं जो बोलूंगा आप नोट करते जाइएगा। ये जो मेरा पूरा लेक्चर लेगा रहेगा, मैं इस पे एग्रीकल्चर कैसे होता है, उसकी इकोनॉमी क्या है, उस पे मैं बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं एग्रीकल्चर की ज्योग्राफी क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज प्रोड्यूस होती है, मेरा पूरा का पूरा फोकस उसी पे ही रहेगा। तो मैं ज्योग्राफी पे ही फोकस करूंगा, इकोनॉमी पे राशि मैम कवर करेंगी। एग्रीकल्चर का क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या ड्रॉबैक्स है, वो सारी चीजें कवर करेंगी। इसमें भी मैं थोड़ा कुछ बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है कुछ नहीं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर 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 हम एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि क्षेत्र क्षेत्र तो किसी भी देश की इकोनॉमी 3 में ही डिवाइड होती है, ठीक है? अगर हम प्रेजेंट कैपिटलिस्ट सिस्टम या प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, तो किसी की भी जीडीपी 3 में ही डिवाइड होती है। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर, ठीक है? उसके बाद फिर होता है मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज, और उसके बाद होता है हमारा सर्विस सेक्टर। भारत में आधे से ज्यादा जनता एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ 18% या उससे कम जो है भारत की जीडीपी में योगदान है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, एपीएमसी एक्ट है, एफसीआई का प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं दोस्तों। कभी मानसून खराब हो जाता है, एजेंट्स की वजह से जो एमएसपी है वो मतलब प्रॉपर नहीं मिल पाता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, लोनिंग की दिक्कतें हैं, तो हमको इस चीज को सबसे पहले तो सही करना होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताता हूं। भारत भूखा नहीं है, ये आपको जानना है। भारत में हमेशा हर साल रिकॉर्ड फसल होती है, कुछ एकाध, हाँ कभी प्रोडक्शन कम हो गया ठीक है, लेकिन भारत में कृषि बहुत बढ़िया रहता है। उसके बावजूद कृषि क्षेत्र बहुत पीछे है। अब हमको देखना पड़ेगा क्यों है, बहुत सारी चीजें हैं जैसा कि मैंने बताया। एक और चीज बता दूं दोस्तों, कि इसमें बहुत सारे डायनेमिक्स हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो सब कुछ यहीं से ही निकलता है, ठीक है भैया? इन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीज भी एग्रीकल्चर से ही निकलेगी, तो कृषि हमेशा से बेस रहता है। अरे भैया, इंसान का एवोल्यूशन ही कृषि से ही हुआ। अगर नियोलिथिक रेवोल्यूशन नहीं आता, कृषि क्षेत्र में रेवोल्यूशन नहीं आता, तो इंसान कभी इंसान होता ही नहीं। तो हम देखते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो कृषि से ही बना है, ठीक है ना? वरना पहले तो इंसान था क्या? पहले तो इंसान जानवरों को मार के खाता था, पेड़ पौधे खाता था, वो तो हंटर और फूड गैदरर था। जब उसको लगा कि पेड़ों से बहुत कुछ मिल सकता है, तब वो इवॉल्व हो गया। तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर क्रॉप से, ठीक है, फसलों से होता है, आपको पता ही है, ठीक है? बीज बोया जाता है और फिर वो एक सीजन में बीज बोते हैं, उसके बाद फसल लहलाती है, फिर उसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है ना? और उसके बाद उसको सप्लाई किया जाता है। तो भारत में अगर क्रॉप्स की बात करें तो 3 तरीके के क्रॉप जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले तो होता है मॉनसून टाइप, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है ना? खरीफ या खारिफ क्रॉप जिसको हम बोलते हैं, मॉनसून टाइप होता है। भारत में 54% कृषि जो है वो खरीफ से होती है। खरीफ की बात करें दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों इसको, क्योंकि मॉनसून है ये, तो जून जुलाई में इसको हम बोते हैं, ठीक है? तो सोन इन जून जुलाई, ऑलवेज दे आर सोन इन जून जुलाई, याद रखना है दोस्तों। जे जे खरीफ क्रॉप जून जुलाई में हम बोते हैं, ठीक है ना? तो पूरा ये जो इनका, इसका जो सोइंग सीजन होता है वो जून जुलाई में होता है। हार्वेस्ट हम करते हैं जाड़, जब जाड़े शुरू होने वाले होते हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसको, या मेनली अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है ना? तो जून जुलाई में दे आर सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो इसको, इसकी फसल को हम कटाई कब करते हैं, इसकी अक्टूबर में, बुआई जून जुलाई, कटाई अक्टूबर, याद रखिएगा, ठीक है? अब कौन होते हैं खरीफ क्रॉप दोस्तों? राइस, चावल खरीफ क्रॉप है, जवार खरीफ क्रॉप है, बाजरा खरीफ क्रॉप है, मक्का खरीफ क्रॉप है, ठीक है ना? उड़द, मूंग खरीफ क्रॉप है। तो ये चीज आपको, उसके बाद दोस्तों हम दूसरा जो क्रॉप आता है, ये याद हो गया, लिख लीजिए, दूसरा जो क्रॉप आता है वो होता है रबी, RABI, रबी क्रॉप, ठीक है? रबी क्रॉप, जब खरीफ क्रॉप का सीजन गया। दोस्तों ऐसा है ना कि भारत का क्लाइमेट ऐसा है कि हर क्रॉप के लिए अलग अलग सीजन है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप रबी क्रॉप को खरीफ सीजन में उगा दें, नहीं। यहां पे हम क्या करते हैं कि जो खेत होते हैं उनको कभी भी बेकार नहीं छोड़ते हैं, खेती होती रहती है उसमें, ठीक है ना? कुछ
कोई भी सीजन में, हर सीजन में खेती। तभी तो भैया यहाँ पे हम अब वो जमाने गए जब इंसान मतलब हम लोग भूखे रहते थे और फेमाइंस आते थे, अब ऐसा नहीं होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया उसी चक्कर में। तो अगर हम रबी की बात करें तो ये दे आर सोन इन, इनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर, जैसे ही खरीफ सीजन का एंड होता है वैसे रबी सीजन जो है वो शुरू हो जाता है अक्टूबर नवंबर, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद कब छटाई होती है, अप्रैल मई, याद रखिएगा अप्रैल मई, ठीक है ना, अप्रैल मई में छटाई, अक्टूबर नवंबर में बुआई, ठीक है। दे आर सोन इन अक्टूबर नवंबर, हार्वेस्टेड इन अप्रैल में, ठीक है ना। कौन कौन से एग्जाम्पल, वीट, गेहूं, सबसे इंपॉर्टेंट, वीट के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, उसी पे ही सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था 1960s में, याद ही होगा आपको, एम एस स्वामीनाथन का जो पूरा मॉडल था वो अपनाया गया था। पंजाब में क्रांति आ गई थी और भारत में भी ग्रीन रेवोल्यूशन क्रांति आ गई थी, हरित क्रांति। वीट हो गया, जौ, पीस, चना, शुगर केन, ये सब है हमारे राबी क्रॉप। तीसरा होता है दोस्तों जायद क्रॉप, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, चलिए सर्च करके बताइएगा, ठीक है, जायद क्रॉप के बारे में। तो दोस्तों अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो कहां कहां क्या प्रोडक्शन होता है हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गेहूं का प्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया आटा, आटा कहां से बनता है, गेहूं, व्हीट, तो व्हीट का प्रोडक्शन देखते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर दोस्तों जरूर याद रखिएगा, तो व्हीट के प्रोडक्शन की बात करें तो सब लीडिंग प्रोडक्शन है उत्तर प्रदेश। एटलस खरीद लिया कि नहीं भैया, खरीद लो। उत्तर प्रदेश 33% गेहूं को उगाता है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत गेहूं मिलेंगे। ट्रेन से जाते हैं तो आप देखते हैं ना, लहलाती फसल गेहूं की, ठीक है ना, तो व्हीट जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। सो उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। दूसरे नंबर पे दोस्तों जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, पंजाब, जी हाँ पंजाब, लगभग लगभग 18%। तो पंजाब का जो एरिया है वो भी वीट को, फिर हरियाणा, पंजाब, दोनों, हरियाणा में 12%, पंजाब और हरियाणा दोनों ही गेहूं को उगाते हैं। तो एक तो उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया और एक पंजाब और हरियाणा का एरिया हो गया, ये आपको याद रखना है। फिर एमपी में भी 15% वीट आपको मिलेगा, ठीक है, तो एमपी के सारे एरिया में नहीं, आधे एरिया में, ठीक है, तो एमपी में भी आपको वीट मिलेगा, ठीक। उसके बाद फिर राजस्थान, राजस्थान में भी 10% जो कंट्रीब्यूशन होता है वीट का, तो राजस्थान में भी आपको 10% तक वीट जो है वो मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम वीट की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये। उसके बाद हम दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप पे आ जाते हैं, वो है राइस, चावल। राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है दोस्तों, इसीलिए ये इसको मॉनसून सीजन में उगाया जाता है, क्योंकि बारिश होती है ना, तो बहुत सारा पानी, राइस हो गया, कॉटन हो गया, इन सबको, कॉटन तो हालांकि फूड क्रॉप है, ठीक है, तो पानी ज्यादा चाहिए होता है। तो राइस की बात करें, चावल की बात करें, तो दोस्तों लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है, कोई गैस, कौन है बताइए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। अच्छा, दुनिया में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है राइस का, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत का पड़ोसी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये 15% लगभग लगभग वेस्ट बंगाल जो है वो राइस का प्रोडक्शन करता है, तो वेस्ट बंगाल में आपको राइस मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड नंबर पे है वो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपको चावल की खेती मिलेगी, ये भी 14% लगभग लगभग यहाँ पे खेती होती है, ठीक है ना। फिर दोस्तों पंजाब, पंजाब में भी आपको मिलेगा राइस, जी हाँ चावल की खेती यहाँ पे भी होती है, पंजाब में भी आपको चावल की खेती मिलेगी, 11% लगभग लगभग, ठीक है ना। बिहार में भी 8%, ठीक है, वेस्ट बंगाल के बिल्कुल बगल में बिहार में भी 8%। उसके बाद और भी बहुत सारे जगह हैं जहां पे चावल की खेती होती है, ये वेस्टर्न घाट्स के एरियाज में भी चावल की खेती होती है, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको चावल, ये साउथ में भी आपको, ये पूरा का पूरा ये जो बेल्ट दिख रही है ना, यहाँ पे भी आपको चावल की खेती मिलेगी, और जो स्टेट्स बताए हैं वहां पे तो चावल की खेती होगी ही होगी। एटलस खरीद लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं तीसरा, तूर दाल, ठीक है ना, तूर, वही पीली वाली दाल, अरहर की दाल, वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी दोस्तों, कोई आइडिया, मध्य प्रदेश में 29% जो है अरहर की दाल, अभी पिछले के पिछले साल काफी महंगी हो गई थी, हालांकि फिर सस्ती हुई, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सस्ती, वैसे ज्यादा प्रोडक्शन भी बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, इससे मार्केट प्राइस डिस्टॉर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो मार्केट प्राइस गिर जाएगा। भाई देखो ज्यादा चीजें अगर प्रोड्यूस होने लगेंगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो कम दाम में बिकेगी, कम दाम में बिकेंगी तो किसको नुकसान है, किसान को नुकसान है। तो हर चीज बैलेंस करके चलनी पड़ती है भैया, बहुत ही मुश्किल है, एग्रीकल्चर काफी पेचीदा है, ठीक है ना, और हमारे यहाँ तो और ज्यादा पेचीदा। तो
तो मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों ये 29% तक, ये मतलब वैसे तो 28.16 है लेकिन 29% लगभग लगभग मान के चलते हैं मध्य प्रदेश जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ये 2012 से 2013 के आंकड़े हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश ही है लीडिंग प्रोड्यूसर जो है, ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र और यूपी भी 13-13% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, यहां पे भी आपको अरहर दाल जो है वो मिलेगी, ठीक है। तीसरा दोस्तों जवार, जवार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है। अभी मैंने बताया जवार जो है वो हमारा खरीफ क्रॉप है, मॉनसून सीजन में उसको उसकी खेती करते हैं। तो जवार की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जवार मिलेगा, 37%, 37% महाराष्ट्र में जवार की खेती होती है। फिर एमपी, कर्नाटक, राजस्थान, यहाँ पे भी आपको जवार की खेती मिलेगी। फिर उसके बाद हम देखें चौथा बाजरा और रागी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बाजरे की रोटी बनती है ना, बड़ी टेस्टी होती है। तो बाजरा राजस्थान, राजस्थान तो फेमस है बाजरे के लिए, यहां पे आपको बाजरा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी राजस्थान दोस्तों अकेले 45% बाजरा प्रोड्यूस करता है और उत्तर प्रदेश में भी आपको 21% बाजरा मिलेगा। तो ये भी, अब आप देखिए दोस्तों इतना सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद हम प्यासे, हम भूखे, बड़ी दयनीय कंडीशन है, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर हम बारले, और बारले की बात करें और मेज की बात करें, ठीक है, तो बारले और मेज की बात करें दोस्तों, पांचवा लिख देता हूं मैं, बारले और मेज, बी एम लिख रहा हूं, बारले मेज की बात करें दोस्तों तो ये नॉर्दर्न साइड में और सेंट्रल इंडिया साइड में आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो बारले की बात करें दोस्तों तो अगेन महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक सबसे ज्यादा आपको बाजरा, बारले और मेज देगा, ठीक है, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, तो यहां पे आपको बारले और मेज मिलता रहेगा, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों हम कैश क्रॉप्स पे आ जाते हैं भैया, जिनको खाया नहीं जा सकता, जो कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉटन आप खा सकते हो नहीं खा सकते हो, कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है कॉटन क्लोथ ना भैया, तो याद है ना चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो, महात्मा गांधी वाला 1917 में जो हुआ था, क्यों हुआ था, यहाँ पे ब्रिटिशर क्या बोलते थे, नील की खेती करो, नील को किसान खा तो सकता नहीं है, तो यहां पे हंटर मार मार के नील की खेती करवाई जाती थी, किसान गरीब हो जाता था, मर जाता था, सुसाइड कर लेता था, बहुत बुरी हालत थी, लेकिन इंडिको बहुत ही फेमस था, कमर्शियल क्रॉप है ये, तो उसके लिए गांधी जी ने पूरा सत्याग्रह छेड़ दिया था। तो कॉटन भी एक कमर्शियल क्रॉप क्रॉप है। तो कॉटन की बात करें दोस्तों कि कॉटन सबसे ज्यादा कहां उगता है, तो देखिए कॉटन के लिए भी पानी, कॉटन और जूट, इनफैक्ट दोनों ही, कॉटन और जूट की बात करें तो यहां पे हम देखते हैं कि इसके लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो कॉटन जो होता है वो हम देखते हैं कि पंजाब के एरिया में आपको कॉटन मिलेगा, कॉटन कल्टीवेशन होती है, और ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ है मिलती है, ब्लैक सॉइल में याद है ना मैंने आपको सॉइल्स इन इंडिया के बारे में बताया था, तो भारत में जो डिवीजन है 8 तरह की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं, उसमें ब्लैक सॉइल जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको कॉटन सॉइल बोला जाता है। कहाँ है ब्लैक सॉयल, अरे सेंट्रल इंडिया में है ना, तो महाराष्ट्र के एरिया में बहुत खेती होती है कॉटन की। नीचे चले जाइए कर्नाटक एरिया में भी आपको मिलेगा कॉटन, तेलंगाना एरिया में भी, जहां जहां आपको ब्लैक सॉयल मिलेगी कॉटन के लिए सबसे बेहतरीन होती है कॉटन। ये जो ब्लैक सॉयल होती है ना पानी को सोख लेती है, ठीक है, ये पानी जाने नहीं देती है, ठीक है, और कॉटन भी यही करता है, पानी को सोख लेता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉटन की जो खेती होती है वो बहुत ही बेहतरीन। जूट की बात करें दोस्तों तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा अकेले 76% जूट की खेती वेस्ट बंगाल में होती है, और उसके बाद फिर बिहार, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कोकोनट, नारियल, तो कोकोनट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, केरल में, आपको केरल में बहुत कोकोनट मिलेगा, ठीक है ना, ये केरल में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, ठीक है ना, हालांकि इस बेल्ट में भी आपको कोकोनट मिलेगा, ठीक है ना, तो कोकोनट आपको केरल में सबसे ज्यादा मिलेगा, केरल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। फिर शुगर केन, शुगर केन अगेन एक कमर्शियल क्रॉप है, कैश क्रॉप है, ठीक है, अब शुगर केन को हम खा सकते हैं ऐसा नहीं है, गन्ने का जूस है ना, लेकिन गन्ने के जूस से कितना ज्यादा रोजगार मिलता है, ठीक है ना, तो शुगर केन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीनी बनती है, बहुत सारी मिल्स जो है वो शुगर केन की ही वजह से चलती हैं, जो शुगर मिल्स होती हैं। तो अगर शुगर केन की बात करें तो उत्तर प्रदेश 39% शुगर केन, गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा और आगे चले जाइए, पंजाब हरियाणा में भी आपको शुगर केन मिलेगा, यहाँ पे भी गन्ने की खेती होती है और बहुत ही तगड़े तरीके से होती है। फिर दोस्तों ये सेंट्रल पार्ट, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी आपको मिलेगी, यहाँ पे भी शुगर केन की खेती होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है, तो ये चीज याद रखना है, ठीक है ना।
स्पाइस एंड टोबैको की बात करें दोस्तों, तो अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर स्पाइस की बात करें तो ये केरल में सबसे ज्यादा, भैया केरल शुरू से ही मसालों के लिए फेमस है, ब्लैक पेपर हो गया ना, काली मिर्च, इन सब के लिए जितने भी मसाले हैं केरल से भर भर के मसाले जो है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे, आपको याद रखना ये चीज। अरे पुर्तगाली इसी के लिए तो आए थे ना, पूरा एक्सपोर्ट जो है वो केरल से होता था मसालों का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइस ट्रेड केरल से होता था। ठीक है, तो केरल में आपको मिलेंगे। टोबैको की बात करें दोस्तों, गुटखा बहुत खतरनाक होता है, मत खाया करिए, जो भी खाते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। गुजरात में आपको मिलेगा टोबैको, उसके बाद ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के रीजन में मिलेगा, फिर दोस्तों यहाँ पे झारखंड में भी आपको टोबैको मिलेगा। तो टोबैको की ज्यादा तो बहुत हर जगह, मतलब भारत में हर जगह तो नहीं फैला हुआ है, लेकिन छोटे छोटे एरियाज में हम देखते हैं, ये इस एरिया में आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज में मिलता है, उड़ीसा, तो यहाँ पे हम टोबैको की जो खेती देखते हैं वो हम मतलब देखते हैं, उसकी खेती होती है। ऑयल सीड्स की बात करें दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग लगभग पूरे भारत में ही मिलता है, आपको बता दूं, ठीक है ना। तो ऑयल सीड्स में एमपी, एमपी में सबसे ज्यादा ऑयल सीड्स मिलते हैं, ठीक है। एमपी जो है वो 30% ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस करता है, और लगभग लगभग पूरे भारत में, ये आप पूरा ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ से ये पूरा यहाँ पे आपको मिलेगा ऑयल सीड्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक, समझ गए। तो ये चीज है, मैंने आपको बता दिया दोस्तों कुछ प्रोमिनेंट क्रॉप्स जिनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लीडिंग प्रोड्यूसर कहाँ कहाँ वो मिलते हैं। एटलस खरीद लीजिएगा, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से दिया गया है, जो मैंने बताया वो एटलस में ही, मैंने सब कुछ एटलस से ही बताया है, ठीक है ना। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।